हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये देखिए बाबू को, बाबू कैसे अपने ब्लॉक से बिल्डिंग बना रहा है और ये बिल्डिंग इसकी टूट गई तो ये फिर से इसे ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। मेरा बेटा नर्सरी में पढ़ता है तो आज मिस्टर हबी और मेरे बेटे की ऑफ रहती है सैटरडे और संडे दोनों को, तो मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ सैटरडे एंड संडे को। तो आज मैं आपके साथ मेरा ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ डोसा, तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे डोसा बनाना है। और ये देखिए बाबू का बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नारियल ले लिया है जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और 3 मिर्ची ली है, थोड़ा सा लहसुन लिया है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, और अब मैं इसमें नमक डालूंगी। आप कड़ी पत्ता के जगह पे धनिया पत्ता भी ले सकते हैं, और इसमें अपने अनुसार पानी डालकर आप इसे पीस दीजिए ग्राइंडर में। तो ये देखिए मेरा चटनी पीस कर तैयार हो गया है, और इसमें आप अपने अनुसार पानी डालकर ज़्यादा गाढ़ा भी रख सकते हैं, पतला भी कर सकते हैं, तो इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अनुसार देख लीजिए। तो ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो तड़का के लिए मैंने इसमें सरसों डाला और कढ़ी पत्ता डाला, और अब देखिए ये चटनी में तड़का लग चुका है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर इस नारियल की चटनी को ट्राई करके देखिए इस तरह से। तो अब मैंने आलू बॉईल करके ले लिया है, और इसे बारीक बारीक नहीं तोड़ना है आपको, और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तेल कढ़ाई में रख लिया है। अब आपको खड़ा धनिया चाहिए जिसे क्रश कर लिया है, सांबर मसाला है, अमचूर पाउडर है, हल्दी है, मिर्ची है एंड कढ़ी पत्ता है। तो अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों डालूंगी, और सरसों को तड़कने के बाद अब मैं इसमें, तो ये सरसों तड़क गया है और अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। इससे गाइस बहुत अच्छा स्वाद आता है, आप ज़रूर ट्राई करें इस तरह से। और अब मैं इसमें मिर्ची डाल रही हूँ, मिर्ची को अच्छे से भून लें और फ्लेम को लो ही रखें, नहीं तो आपकी जो धनिया वगैरह है, सरसों है, वो जल जाएगा और स्वाद ख़राब हो जाएगा। अब मैं यहाँ इसमें हल्दी और थोड़ा सा सांभर पाउडर डाल रही हूँ, और इसे लो फ्लेम पर ही थोड़ा सा भून लें। इसके बाद इसमें मैं कढ़ी पत्ता डालूँगी, तो गाइस ये अच्छे से भुन गया था। और इसमें मैं मैश्ड आलू डाल रही हूँ जिसे कि आपको पूरा बारीक नहीं करना है, पूरा बारीक करने से स्वाद अच्छा नहीं आता है। और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। तो अमचूर पाउडर को आपको तेल में नहीं भूनना है, आलू डालने के बाद आपको ऊपर से डालना है। और ये देखिए आलू तैयार हो गया है, इसकी जो खुशबू है ना वो नीचे तक पहुंच जाती है मेरे घर के नीचे। सभी पूछते हैं कि यार क्या बनाया आज। तो दोस्तों ये देखिए, ये डोसा का बैटर है। तो इसे कैसे रेडी करना है अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत ही इजी स्टेप है। तो ये मैंने डोसा, इसमें बनाने में लगभग एक दिन लगता है। तो दोस्तों ये मैंने तवा गर्म कर दिया है डोसा बनाने के लिए, और अब मैं इसमें तेल को डालकर फैला लूँगी। और ये डाला मैंने डोसा का बैटर, और इसे राउंड शेप में अंदर से लेके बाहर की ओर आपको इसे स्प्रेड करना है। और ये देखिए कितने आराम से हो गया है ये, और अब मैं इसे सिकने दूंगी नीचे से। तो एक बार मैं देख रही हूँ इसमें कि ये सिक चुका है कि नहीं अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से सिक चुका है, और देखिए इसका जो कलर है वो कितना अच्छा लग रहा है। तो बाहर से खाने की बजाय अगर आप होम मेड बनाते हैं, घर में बनाते हैं, तो वो स्वादिष्ट भी होता है और प्योरिटी भी होता है उसमें। तो ये देखिए मेरा डोसा और उसका स्टफ आलू बनकर तैयार है और चटनी। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके घर में भी लोग इसे खाकर खुश हो जाएंगे, आपका बच्चा खाकर खुश हो जाएगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट में डोसा हमने 11:30 तक खा लिया था, और ज़्यादा खा लिया था इसलिए हमारा पेट भर गया था। तो हबी ने बोला कि लंच मत बनाओ,
तो हमने डायरेक्टली शाम को चाय और नाश्ता ही बनाया। तो नाश्ते में मैंने ये मुरमुरा बनाया है, इसे तेल में मूंगफली डालकर और मुरमुरे को फ्राई किया है और साथ में चाय है, और यही हमने शाम को खाया। और रात को हमने डिनर में खिचड़ी बनाया, तो ये खिचड़ी बहुत ही लाइट होता है, तो सैटरडे को हमारे यहाँ खिचड़ी बनती ही बनती है, ये मस्ट है। और इसके पीछे का कारण यही है कि खिचड़ी खाने से घर में धन आता है, और धन तो सभी को पसंद है, और इसकी वजह से शनिवार का जो ग्रह होता है वो भी कटता है, तो हमारे घर में ये खिचड़ी और पापड़ बनता ही बनता है। तो इसके साथ हम दही खाते हैं या फिर घी खाते हैं, तो आज दही ख़त्म हो गया था तो हमने घी के साथ खाया। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये व्लॉग? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू।